Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class we are going to revise our all the tenses once again, and the mode of the teaching would be Hindi and English so that every child is able to understand them properly. So without wasting time, let's start our video. So in today's class we are going to discuss about the present continuous tense. Yes, our first class would be of present continuous tense. This tense is very easy and this tense is used in mainly four situations. So the first situation is, there is the first situation is called now situation. Now situation kya hota hai, okay, the thing, the action is happening at this moment of time, we call it in now situation. Ek aisa kaam जो अभी इस समय हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, जिसमें हम नाउ सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर वॉचिंग माई वीडियो मीन्स ये काम जो है वो अभी हो रहा है. लाइक द फैंस आर मूविंग नाउ, द फैंस आर मूविंग एट द मोमेंट. ओके, द फैंस आर मूविंग नाउ, ये काम जो है वो भी अभी इसी वक्त हो रहा है. नाउ सी द सेंटेंस हियर, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, सो यू विल हैव टू यूज़ नाउ. यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ मतलब आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं. नाउ आई एम सिटिंग का मतलब क्या होता है, मैं बैठा हुआ हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करनी है आप लोगों को, जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड में सीखते हैं कि रहा, रहे, रही, कुछ करके इस तरीके की हिंदी जो होती है वो आती है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं. बट यहाँ पर आप देखिए, आई एम सिटिंग, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं ये काम जो है वो अभी इस समय हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेकिन अगर आप इसकी हिंदी बनाते हैं तो उसमें रहा, रहे, रही नहीं आता है. सो सीखने के लिए बेटर है, बट इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनकी सिचुएशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए. ठीक है, तो कि आप उन सिचुएशंस को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो सिचुएशन है वो सबसे पहली सिचुएशन है हमारी नाउ सिचुएशन, जिसमें हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो अभी भी हो रहा है. ठीक है, जो हमारे बोलते समय हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू मतलब ये काम अभी भी हो रहा है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, उसे देखते हैं. They are reading their books. वे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम नॉट स्टैंडिंग का मतलब है मैं खड़ा हुआ नहीं हूँ. ठीक है, मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ. तो ये काम जो है वो अभी हो रहा है. नाउ शी इज़ राइटिंग एट द मोमेंट. सो इन दिस टेंस वी कैन यूज़ एट द मोमेंट और नाउ. वी कैन यूज़ दीज टू थिंग्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हम नाउ सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की सबसे पहली जो सिचुएशन है वो हमारी फिनिश हो गई. आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसे देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज लॉन्गर एक्शन. ठीक है, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ. अब लॉन्गर एक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जैसे हमने अभी अभी बात करी थी नाउ सिचुएशन की, कि अभी इस समय जो काम हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, इज़ एमआर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ लॉन्गर एक्शन. लॉन्गर एक्शन में क्या होता है, एक ऐसा काम जो आजकल या फिर इन दिनों आप कर रहे हो, अंडरस्टैंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो काम हो रहा हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज. अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी नॉवल पढ़ रहा हूँ, बट आजकल जब कभी भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं नॉवल को रीड कर रहा हूँ. तो वो काम जो है वो आजकल चल रहा है. जैसे इट इज़ रेनिंग अ लॉट दीज डेज, आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो काम अभी भी हो रहा हो. ओके, बट नाउ डेज इट इज़ हैपनिंग. सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, आई एम स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर. मैं पढ़ाई कर रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए. ठीक है, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई एम नॉट स्टडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू बी अ डॉक्टर, आई एम टीचिंग यू. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम रीडिंग द बुक टॉम सेवियर, दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक. आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ. ओके, एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेज यू कैन यूज़ दीज डेज और नाउ डेज, जिससे लॉन्गर एक्शन की जो सिचुएशन है वो एकदम पक्की हो जाती है. नाउ माई ब्रदर इज़ राइटिंग अ नोवल
दीज डेज, आजकल मेरा भाई एक नॉवल लिख रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी उस नॉवल को लिख रहा हो, ठीक है। जब कभी भी उसे समय मिलता है, इवनिंग में, दोपहर में, रात में, सुबह, जब कभी भी उसे समय मिलता है, सो ही इज़ राइटिंग हिज नॉवल, अंडरस्टैंड। बट वो काम जो है आजकल चल रहा है एंड इट विल टेक सम टाइम टू बी फिनिश, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फिनिश होने में। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, हैरी सर इज नॉट टीचिंग फ्रेंच नाउडेज, हैरी सर इज नॉट टीचिंग फ्रेंच नाउडेज, ठीक है। तो हैरी सर जो हैं वो आजकल फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे हैं, ओके, वो आजकल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। दिस इज योर लॉन्गर एक्शन सिचुएशन, अभी नाउ सिचुएशन हो गई है जिसमें काम अभी इस समय हो रहा है, लॉन्गर एक्शन हो गया है जिसमें काम जरूरी नहीं है कि वो अभी भी हो, बट वो आजकल चल रहा होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा हमारा दैट विल बी नियर फ्यूचर, यस। अब हम इस टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नियर फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं, और हम इनको यूज़ क्यों करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं प्लान्स के लिए, ठीक है। जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। अब ये काम मैंने पहले से ही प्री डिसाइडेड कर लिया है, पहले से ही इसका एक अरेंजमेंट बना लिया है, एक प्लान बना लिया है कि मैं अपने काम के बाद अपने दोस्तों से मिलूँगा, कुछ दोस्तों से मिलूँगा। तो यहाँ पर मैं विल का इस्तेमाल ना करते हुए मैं यहाँ पर इज एम आर का यूज़ करूँगा विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम सिंगिंग एट द चर्च दिस इवनिंग। सो नाउ अभी सेंटेंस में क्या है, आई एम सिंगिंग एट द चर्च दिस इवनिंग। अब मैंने इसको पहले से ही प्लान कर लिया है, पहले से ही अरेंजमेंट है मेरा कि मैं आज शाम को चर्च में जाऊंगा और शाम को चर्च में जाने के बाद मैं वहां पे गाना गाऊंगा। तो जितने भी प्लान्स और अरेंजमेंट्स होंगे फ्यूचर के लिए, वी ऑल हैव टू मेक देम इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग बॉल आफ्टर स्कूल, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग आफ्टर स्कूल, आप इसको इतना कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग आफ्टर स्कूल, अब मेरे दोस्तों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि भाई वो स्कूल फिनिश होने के बाद खेलेंगे, ठीक है, कोई भी गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर हम फुटबॉल भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते थे, बट आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि ये पहले से ही हमारा प्लान है कि स्कूल के बाद हम क्या करेंगे, हम खेलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इज एम आर को यूज़ किया है। नाउ लास्ट सिचुएशन इज, लास्ट सेंटेंस इज, ही इज़ प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस टुमारो मॉर्निंग, ही इज़ प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पर इसने पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया है कि कल सुबह वो एक गेम खेलेगा चेस का। तो जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं जो हमें फ्यूचर में बनाने होते हैं, फ्यूचर में करने होते हैं, उनके लिए हम इस एम आर को यूज़ करेंगे, ठीक है। वी विल यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर नियर फ्यूचर। सो अब हमारी तीन सिचुएशन हो गई है, नाउ सिचुएशन हो गई है, लॉन्गर एक्शन हो गया है, और नियर फ्यूचर का हो गया। तो आई होप सो ये तीनों सिचुएशंस आपने अच्छे तरीके से समझी होंगी। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन की। अब लास्ट सिचुएशन में क्या है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे ये ऐसी पीडीएफ बनी है। नाउ रिपीटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज, सो जनरली वी डू नॉट यूज़ ऑलवेज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वी यूज़ ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट हियर व्हाई आर वी यूजिंग ऑलवेज, हियर वी आर यूजिंग ऑलवेज फॉर रिपीटेशन एंड इरिटेशन। एक ऐसा काम जो बार बार होता है, बहुत बार बार होता है, जिससे आपको एक इरिटेशन हो जाती है, ठीक है। एक ऐसा काम जो बहुत बहुत बार होता है, तो उससे एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, शी इज़ ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, हर रोज़ क्लास में लेट आती है, ठीक है, उसका हर रोज़ का काम हो गया है क्लास में लेट आने का, और ये काम बिल्कुल बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इज एम आर को ऑलवेज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं विद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वह लगातार बोलता रहता है,
आई विश ही वुड शट अप, काश वो बंद हो जाए, बोलना बंद कर दे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई डोंट लाइक देम, मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं बिकॉज क्योंकि दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मुझे वो लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम रिपीटेशन एंड इरिटेशन को ऑलवेज के साथ यूज़ कर सकते हैं और हमारा सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा. हम यहाँ पर इज एम आर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को ही यूज़ करेंगे. तो ये हमारी चार सिचुएशन हो गई हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की. आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. आगे देख लेते हैं और इस पीपीटी में क्या है. ओके, यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा. आई विल हैव टू यूज़ दिस माउस. ठीक है, अभी मैं भी इतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हुआ हूँ इसके. चलिए, तो अभी एक नज़र हम यहाँ पे डाल लेते हैं हमारे सिंटेक्स के ऊपर. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे जैक एंड जिल आर ऑलवेज फाइटिंग. अब यहाँ पर भी हमने ऑलवेज का इस्तेमाल किया है. जैक एंड जिल, जैक और जिल हमेशा लड़ते रहते हैं. तो ये काम क्या होता है, बार बार होता रहता है, इरिटेशन होती रहती है इससे. तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे. नाउ अब बात करते हैं सिंटेक्स की, आपको सेंटेंस बनाना कैसे है. सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद आप जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बोलते हैं, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट. तो ये सिंटेक्स रहेगा आपको. इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है. व्हेन यू हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, सो सब्जेक्ट इज एम आर, यू हैव टू पुट नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन यू मेक क्वेश्चंस, जब आप सेंटेंस को क्या से स्टार्ट करते हैं, सो इज एम आर विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इन द पॉजिटिव वन, एंड इन द नेगेटिव वन यू विल हैव टू यूज नॉट, एंड आफ्टर दैट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो ये आपके सिंटेक्सेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब की, इज का इस्तेमाल आप करते हैं ही शी इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ. एम का इस्तेमाल आप हमेशा आई के साथ करते हैं, और आर का इस्तेमाल जो आप करेंगे वो यू वी एंड दे या फिर किसी प्लूरल नाउन के साथ करेंगे. ठीक है, तो ये आपका छोटा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था. अभी मैंने इसको इस तरीके से समझाया है, सो आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. एक बार इसकी सारी सिचुएशंस को ना दोबारा से देख लेते हैं एक मिनट के लिए. चलिए, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम चार सिचुएशंस में यूज़ करते हैं. नंबर वन है हमारी नाउ सिचुएशन, एक ऐसा काम जो अभी भी हो रहा है. एंड नेक्स्ट वन इज लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ. लॉन्गर एक्शन एक ऐसा काम होता है जो आजकल या फिर इन दिनों चल रहा है, जिस काम को हम कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज़ नियर फ्यूचर. ठीक है, नियर फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्लान्स और अरेंजमेंट्स के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए जो हमने पहले से प्री प्लान कर रखे हैं और उनको हम फ्यूचर में करेंगे. नाउ लास्ट सिचुएशन जो होती है इसकी, रिपीटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज. जनरली वी डू नॉट यूज़ ऑलवेज विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बट हियर वी आर यूजिंग ऑलवेज बिकॉज समथिंग इज़ हैपनिंग अगेन एंड दैट मेक्स और दैट क्रिएट्स अ एन इरिटेशन. ओके, सो आई होप सो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय, टेक केयर.